सबसे पहले नमस्ते, मैं किरण बोडेनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेज और मिक्स सब्जी। के लिए मैंने क्या ले रखा है कि ये फूलगोभी है, ये ब्रोकली है, और गाजर, आलू और टमाटर और मटर। अब जो है मैंने जो है कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल भी गर्म कर दिया है। तो अब मैं इसमें जो हूँ सबसे पहले जो है जीरा को चटका लूँगी। आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। और ये साबुत धनिया, एक लौंग, एक इलायची, एक तेज पत्ता, और इनको भून लूंगी। तो ये भी चटक गए हैं। तो जो टमाटर कटे हुए हैं इनको मैं इसमें डालूंगी। और साथ में थोड़ा सा गाजर कटी हुई इसको भी इसमें डालूंगी। और इनको भून लूंगी। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और साथ में मैं ऊपर से डालूंगी आधा चम्मच सौंफ। और थोड़ी देर तक ढक्कन लगा लेंगे। बस इसे ऐसे ही भुनने देंगे। तो ये भुन गए हैं टमाटर। और अब मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च डालूंगी। इसमें मिर्च नहीं होते हैं, ये कलर देने के लिए ठीक रहती हैं। तो ये भुन चुक गए हैं मसाले। तो इनको हम जो है अलग निकाल लेंगे टमाटर को, और थोड़ी देर तक के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए मैंने फिर से वो कढ़ाई साफ़ कर ली है और फिर से इसमें तेल गरम कर लिया है। जीरे को चटकाऊंगी। जीरा भी चटक गया है। और टमाटर फिर से मैंने बारीक बारीक कटे हुए टमाटर इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें ये आधा कटोरी मैंने मटर जो है छील के रखी हुई, तो इसे भी इसमें डालूँगी। ये डाल रहे हैं आलू, ये फूलगोभी, ये ब्रोकली, ये गाजर। और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। चुटकी भर, ज़्यादा ना डालें। लाल मिर्च पाउडर, नमक भी स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि हमने जो है हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। और अब मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। और अब थोड़ा सा सब्जी पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ी देर तक ढक्कन लगा लें। और जब तक जो है सब्जी तैयार होती है तो हम एक भुने हुए टमाटर को पीस लेंगे। और एक मैंने जो है हरी मिर्च, छोटा सा पिंच मैंने अदरक का, और ये हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। तो ये बन गई है ग्रेवी। तो ये देखिए सब्जी हमारी, मैंने जो है फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा था, और सब्जी भी ये पक गई है। जब सब्जी इस स्टेज में रहे तो इसी स्टेज में जो है ये ग्रेवी जो हमने बनाई है उसे इसमें डाल लेंगे। और इसका टेक्सचर भी बहुत सुंदर आएगा। ये डाली हमने इसमें, और मिक्स कर लेंगे।
और अब थोड़ी देर तक इसमें ढक्कन लगा लेंगे। तो अब ढक्कन को हटा लेते हैं क्योंकि मैंने 2-3 मिनट तक ये ग्रेवी के साथ पकने दी है। देखिए कितना प्यारा कलर भी आया इसका। और अब सब्जी जो है ये मिक्स वेज जो है तैयार हो गई है, इसे मैं फटाफट सर्व कर लूँगी। तो ये बन गई है मिक्स सब्जी। इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रखा है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है ये। और जिसको भूख नहीं भी लग रखी हो तो इसे देखते ही उसकी भूख खुल जाएगी और एक रोटी के बजाय 2 रोटी ये खाना शुरू कर देंगे। इसे जो है नान रोटी और दाल सब्जी जो भी है चावल में आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।